या कुछ भी एक्स वाई जेड, बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं कि बहुत सारी कंपनियों ने बैन कर दिया है या इन्वेस्टमेंट निकाल लिए, तो एकदम से BTC गिर जाता है। BTC के ऊपर पूरी मार्केट डिपेंड करती है, सबको पता है कि BTC के ऊपर पूरी मार्केट डिपेंड करती है कि जब BTC अप जाता है तो अर्थ कॉइन खुद ब खुद ऊपर जाते हैं, जब BTC नीचे आता है तो सारे अर्थ कॉइन नीचे ही आते हैं। तो इसके अलावा तो ये होती है कि भाई इससे लोगों के टेक्निकल्स इस वजह से भी फेल होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग सही टेक्निकल्स भी नहीं करते हैं। और जो फ्यूचर के सिग्नल्स होते हैं या शॉर्ट टर्म सिग्नल्स होते हैं वो स्काल्पिंग पे बनते हैं, वो टेक्निकल्स पे नहीं बनते, वो स्काल्पिंग पे बनते हैं। वो स्काल्पिंग किस तरीके से होती है उसको, वो इंडिकेटर्स के ज़रिए होती है। वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं वो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो हम आगे चल के सीखेंगे कि किस किस बेस पे हम लोग सिग्नल्स बना के आप लोगों को देते हैं, अपने कैसे कैसे सिग्नल्स अपने लिए खुद बनाने हैं और ख़ुद से अपनी ट्रेड करनी है, ठीक है। तो आज तक की आई होप आपको समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज तक के लिए इतना, थैंक यू सो मच।